8th class student to another video lecture of chapter 12 friction. In this video lecture I will be explaining about that what are the advantage and disadvantage of friction. yani ki ek tarike se friction se hame kya fayde bhi hote hain nuksan bhi. So first of all friction advantage kya hote hain. Friction between the feet and the ground helps us to walk on the ground. मैं ग्राउंड पे क्यों चल पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन किसके बीच में? तो मेरे फीट के बीच में और जो अपने ग्राउंड के सरफेस है उसके बीच में जब फ्रिक्शन लग रहा है तब मैं क्या हो रहा हूँ? चल पा रहा हूँ. तो ये फर्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से मैं क्या हो सकता हूँ? चल सकता हूँ. अरे फ़ायदा ही है, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो मैं कैसे चल पाता, ग्राउंड पर कैसे चलूँगा, मूवमेंट पैर कैसे मूव करूँगा, नहीं कर पाता. बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज बिटवीन द माई फिट एंड दी और ग्राउंड सरफेस में मूव कर पा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा हूँ. इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ पेन और अ पेंसिल ऑन अ पेपर ड्यू टू दी फ्रिक्शन. में कुछ भी लिख पा रहा हूँ किसी भी बुक पे, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. किसके बीच में? पेन और पेंसिल के, पेन या फिर पेंसिल और किसके बीच में? आपके बुक के सरफेस के बीच में. आखिर मैं यहाँ पे कैसे लिख पा रहा हूँ? ये मेरा बुक है, उसका पेपर का सरफेस और मेरा पेन है, तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है, तभी तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ. वो अपोजिंग फोर्स लग रहा है. ओके, इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड. मैं ब्लैक बोर्ड पर भी कैसे लिख पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन जो अराइज हो रहा है मेरे चौक के बीच में और जो ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच में. नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड हेल्प्स टू ऑटोमोबाइल्स. जो गाड़ियाँ होती हैं, जो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर हो चाहे ट्रक हो ट्रैक्टर हो, कैसे चल पा रही है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अब वो भी किसके बीच में लग रहा है? अपने ग्राउंड के बीच में और टायर्स के बीच में, जिसकी वजह से टायर क्या हो रहे हैं? घूम पा रहे हैं. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. नाउ डिसएडवांटेज, सोल्स अब नुकसान क्या है फ्रिक्शन से? तो पहला नुकसान यह है कि कोई भी चीज़ दो सरफेस फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे घिस जाते हैं. सरफेस का वियर एंड टीयर, अभी किसी भी सब्सटेंस का जो वियर एंड टीयर है ना, बहुत आसानी से हो जाता है, यानी ख़राब बहुत जल्दी हो जाएगा वो, बस इतना रगड़ रहा है उसके पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. सो सोल्स ऑफ अ शूज, जो मेरे शूज होते हैं, बूट हैं हमारे, वियर पूरे घिस जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ये कहीं ना कहीं क्या है? नुकसान है. आसानी से खराब हो जाएंगे, फिर हमें न्यू परचेस करना पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज है. टायर्स ऑफ अ बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन. अब जो टायर्स होते हैं वो भी किस तरह घिस जाते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जो किसके बीच में लग रहा है? टायर के बीच में लग रहा है और ग्राउंड के सरफेस के बीच में लग रहा है. नाइफ्स एंड रेजर्स लूज देयर शार्पनेस. जो चाकू होते हैं और जो रेजर्स होते हैं, जो उनका नुकीलापन होता है, ठीक है, जो उनका शार्पनेस रहता है वो भी लूज हो जाता है क्योंकि द फ्रिक्शन. तो अलग अलग सरफेस पे क्या होते हैं? घिसते रहते हैं बार बार, जैसे कहीं भी हम लेके जा रहे हैं नाइफ्स को काटते हैं, बाद में आपके रेजर्स होते हैं वो हेयर कटिंग के लिए बाद में, तो वहाँ पर भी हेयर के वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन अराइज होता है उस तरह उस दौरान भी. तो क्या होता है वहाँ पे भी, वो क्या धीरे धीरे अपना शार्पनेस लूज कर देता है. तो रिजल्टेंट ये भी क्या है? डिसएडवांटेज है. किसके? फ्रिक्शन के. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.